कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रियंका गांधी को महासचिव की उपाधि से नवाजा है यूपी में, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कितना कार्यकर्ता जो है इससे खुश है या क्या कहेंगे आप? इस फैसले से जो है सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी को इंदिरा गांधी जी की ही छवि देखा जाता है और उनकी ही छवि माना जाता है। और जो ये फैसला लिया गया है, ये बहुत ही अहम फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे हर एक कार्यकर्ता बहुत खुश है। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया गया है, कैसे देखता है एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस शीर्ष नेतृत्व के फैसले को? लोगों का फीडबैक था कि अगर आप चेरा या प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आती है तो ये बहुत बदलाव करेगी, यूपी नहीं करेगी पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होगा, और उस बदलाव में हमें ना मायावती की जरूरत पड़ेगी ना अखिलेश यादव की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पर्सनली मानता हूँ इस बात को कि प्रियंका गांधी का यूपी में आना, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े अच्छे संकेत। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको बहुत पहले सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए था, आज भी वो आई हैं तो उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक संजीवनी का काम करेंगी, ये निश्चित है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो इस फैसले से खुश है, सहमत है? 100% खुश है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है और सभी दल बड़े परेशान हैं उनके एंट्री से, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है उनके छवि में जो है इंदिरा गांधी को लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी का जो पदार्पण हुआ है, वैसे तो वो काफ़ी समय से यूपी के उसमें चुनावों में विशेष रूप से हिस्सा लेती रही हैं राहुल गांधी जी के चुनाव क्षेत्र में और सोनिया गांधी जी के, अब उनको महासचिव का पद देकर जो है एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो जुगलबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब बना। प्रियंका गांधी की जी को जो आज पूर्व यूपी में राहुल गांधी जी ने जिम्मेवारी दी है और उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया है, ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने अमेठी और रायबरेली में बहुत काम किया है, वो लोगों के संपर्क में रही है, सिर्फ उन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़कर जो आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे भी संपर्क रहा है, तो लोगों का खास करके यूपी छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में लोगों का बहुत लगाव है उनके साथ। प्रियंका जी में एक इंदिरा जी का चेहरा देखते हैं। फैसले का स्वागत करते हैं, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सबसे इंतजार कर रहा था प्रियंका गांधी कब सक्रिय राजनीति में आए, जिससे कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी और संगठित होगी। फायदे ये कांग्रेस पार्टी के फायदे की है, पहले भी वो राजनीति में रही हैं, पहले भी अमेठी रायबरेली सीट संभालती रही हैं, और ईस्टर्न यूपी जो एरिया उनको दिया गया है उस एरिए में उनका एक जनाधार है, और कांग्रेस का वहाँ का वर्कर चाहता था कि वो राहुल गांधी से ज़्यादा उनके साथ अटैच था अमेठी और रायबरेली का देखा होगा, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और इससे ईस्टर्न यूपी के जनाधार में फ़र्क पड़ेगा। ये जो फैसला हुआ प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में प्रभार भी नियुक्त किया गया है, इनमें ये जो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत अच्छी सोच है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और इससे संगठन भी बहुत मजबूत होगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला किया हाईकमांड ने, जो फैसला किया प्रियंका गांधी को आगे ला के, ये पहले कर देना चाहिए इनको, ये थोड़ा लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ, मतलब और इससे पार्टी में काफी मजबूती होगी, पहले से भी ज्यादा होगी। जो कार्यकर्ता है वो इस फैसले से खुश है? बहुत ही ज्यादा खुश है। कैसे देखते हैं मैडम जी इस फैसले को आप? ये फैसला एक बहुत हिस्टोरिकल फैसला है और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे मोमेंट पे ये फैसला लिया है जिसका बहुत फायदा भविष्य में कांग्रेस पार्टी को होगा, और प्रियंका गांधी को पूरा देश, हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरा देश उनको एक आगे आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है।